हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? लॉकडाउन एट होम कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? और इनका क्या, जिनको हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जिंदगी भर के लिए पिंजरे में डाल देते हैं, दे आर कैप्ट इन द केज फॉर आवर एंटरटेनमेंट। और इनका क्या, ट्रीज भी आजकल देखिए आप, ड्राइंग रूम की शोभा बने हुए हैं। वी डोंट अलाउ वीमेन टू गो आउट। ये चारों फोटो किसकी बात कर रही हैं? एक थीम है जो इन चारों से जा रहा है, फ्रीडम। यस, और ये बात मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ए टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस, 10th क्लास, फर्स्ट फ्लाइट की आपकी पॉइंट 3, वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे। ब्यूटिफुल पॉइंट देखिए आप, विद अ ग्रेट मैसेज इन इट, कंट्रास्ट बिटवीन टू टाइगर्स, वन इन द केज एंड वन इन द फॉरेस्ट। वन इज इन रेज, वन इज हैप्पी, वन इज जॉयफुल। कंपेरिजन इज देयर बिटवीन द टू, क्योंकि अगर हमें कोई कैद करके रखता है तो हमारी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है। वी कैनॉट जस्टिफाई विद आवर पोटेंशियल इफ वी आर कैप्ट इन साइड। जैसे आपको भी लग रहा होगा, आप भी बाहर आ जाना चाहते हैं, ये भी यही चाहते हैं। लेस्ली नॉरिस भी यही कहना चाहता है, इन्हें मुक्त करो। ह्यूमंस के एंटरटेनमेंट के लिए इन एनिमल्स को केज में रखना गलत है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस ब्यूटिफुल पॉइंट, अ टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस, हु हेल्स फ्रॉम वेल्स, ग्रेट इंग्लिश पॉइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे। समटाइम्स इट टेक्स अस टू द टाइगर इन द जू एंड समटाइम्स इट टेक्स अस टू द टाइगर इन द फॉरेस्ट। आपने देखना है विच स्टैंजाज आर डीलिंग विद द टाइगर इन द केज एंड विच आर डीलिंग विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। और आपने ये भी देखना है, क्लास 10 स्टूडेंट होने के नाते आपको भी क्या लगता है, आर यू एग्री विद लेस्ली नॉरिस व्हेन ही सेज कि जू नहीं होने चाहिए? तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए फॉर और अगेंस्ट हो जाइए आप। अगर आप कहते हैं कि होने चाहिए या नहीं, यू आर इन फॉर कैटेगरी और यू आर इन अगेंस्ट कैटेगरी, ये लिख दीजिए, मुझे बताइए आप। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मॉडल रेसिटेशन कर लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइड्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ग्रेट, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ग्रेट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स एंड हिज क्लास, टेररिंग द विलेज, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, ग्रेट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, दी पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्यूटिफुल पॉइंट देखिए आप, वन बाई वन स्टेंजा वाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ। फर्स्टली देखिए आप, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक करना क्या होता है? गुस्से में चलना, गुस्से में ही तो है ना वो। ही इज इन द केज, ही इज कैप्ट, ही इज हेल्पलेस, ही इज इन एंगर। आपको कोई डांट पड़ती है, आप चले जाते हो, तो आप क्या करते हो? वो भी स्टॉक होता है, एक चलने का तरीका है वो भी। वोकैबुलरी देखिए आप, टू परस्यू स्टिफली, विविड स्ट्राइप्स अलग अलग तरह की हैं, इंटेंसली डीप एंड ब्राइट हैं, विविड स्ट्राइप्स हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है, कुछ इस तरह देखिए आप। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, फ्यू स्टेप्स मतलब इतना ही कंक्रीट सेल उसको एक मिला है छोटा सा, कि कुछ ही कदम, एक या दो या तीन कदम ही वो चलता है, स्टॉक करता है, गुस्से में है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, चलता कैसे है वो, पैड्स ऑफ वेलवेट, देखिए आप उसकी जो पैर हैं, पाज हैं, उसको संज्ञा दी गई है यहाँ पर,
वेलवेट की मेटाफर यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटी है कि सॉफ्ट है, दे आर स्मूथ इन टच, छूने में बिल्कुल नरम है, गद्देदार होते हैं ना उसके पैर भी और वेलवेट भी, तो यहां पर मेटाफर यूज करता है वो। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज, गुस्से में तो है वो, गुस्से में वो अपने केज में इधर से उधर चल रहा है अपने दबे पांव से, वेलवेट जैसे उसके पैर हैं, विविड स्ट्राइप्स वाला है वो, गुस्से में घूम रहा है। और यहाँ पर अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, सबसे पहले पर्सनिफिकेशन आप देख सकते हैं किया गया है यहाँ पर, ये पोइट हैज बेस्टोड ह्यूमन क्वालिटीज ऑन टाइगर, ही यूज कर रहा है, इट यूज नहीं कर रहा है उसके लिए, ही हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर ही टाइगर के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन है। फर्स्ट लाइन में और देखिए आप, स्टार्क्स स्ट्राइप्स, अगेन एंड अगेन एस साउंड आ रही है, कंसोनेंस है ये, कभी शुरुआत पर आ रही है कभी एंड पर आ रही है। और इन हिज विविड स्ट्राइप्स में देखिए आप, ग्रीन किया मैंने आई को आपके लिए, एजोनेंस आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट में, जैसे मैंने आपको बताया मेटाफर यूज हो रहा है, द पोइट कंपेयर्स द पैड्स ऑफ द टाइगर्स फीट विद वेलवेट सिंस बोथ आर सॉफ्ट एंड आर स्मूथ इन टच, दोनों छूने में जो है एक जैसे दिखते हैं। इमेजरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है कि विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स, जैसे पिंजरे में एक टाइगर कैद है और आप बिल्कुल उसकी इमेज बना पा रहे हैं, तो इमेजरी ब्यूटीफुल है। राइम स्कीम की बात कीजिए, ए बी सी बी, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट का लास्ट देखिए आप, वर्ड जो सिलेबल आ रहा है स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट रेज, तो केज और रेज का जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइम बन रहा है, तो यहाँ पर ए बी सी बी ये बनेगा। हम देख लेते हैं क्या ये राइम स्कीम आगे भी जाती है, वी मूव टू सेकंड वन नाउ। तो पहला आपने देखा, हम कह रहे थे कि जू से ये हमें फॉरेस्ट में ले जाएगी, फॉरेस्ट से वापस हमें जू में ले आएगी, तो पहला स्टेंजा आपने देखा हमें बताता है टाइगर इन द जू, टाइगर इन द केज के बारे में। दूसरा आप देखिए किसके बारे में बात करता है पोइट, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, हैड ही हैड दैट टाइगर बीन इन वाइल्ड, बीन इन फॉरेस्ट, व्हाट ही शुड हैव बीन डूइंग, वो क्या कर रहा होना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, छुपा हुआ, छुपकर शिकार की तलाश में, लर्किंग हिडन, कहां, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में ना वो अपने आप को दिखने देता है प्रे को, नियर द वाटर होल, और किन जगहों पर मिलते हैं वो टाइगर, पता है पानी की तलाश में जरूर आएंगे, कौन, वेयर द प्लम्प डियर पास, प्लम्प फुल राउंड शेप को हम प्लम्प कहते हैं, प्लम्प बॉडी होती है ना, मोटा ताजा आदमी, इसी तरह मोटा ताजा हिरन आएगा, उसके लिए वो स्लाइड कर रहा होता है, लर्क कर रहा होता है ना, छुप के बैठा होता है, चुपचाप आगे पैर बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्टेंजर्स में हमने अब तक किया कि जो केज में है वो स्टॉक कर रहा है, और जो फॉरेस्ट में है वो लर्क कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, वो केज में ही रह गया है पड़ा, और ये वाटर होल के पास बैठा है, लॉन्ग ग्रास में छिपा है, जंगल में वो लर्किंग कर रहा है, हिडन है, हिरन की तलाश में है, तो दोनों कंपैरिजन भी कर रहा है, क्योंकि वो इस बात पे इम्पोर्टेंस देता है कि फ्री वाला ही ठीक है भैया, अपने नेचुरल हैबिटेट में है। अगर हम बात करें यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की, तो यस ए बी सी बी यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है, ग्रास और पास से जो है राइम बन रहा है, म्यूजिक इज हियर वेरी मच, और ही यहाँ भी लगाया है, रेड किया मैंने आपके लिए, पर्सनिफिकेशन है यहाँ पर भी, इट नहीं लगाया है, ही शुड बी स्नॉलिंग, देखिए थर्ड हमें कहाँ ले जा रहा है, हमें जू की तरफ ले जा रहा है या फॉरेस्ट में रखे हुए है टाइगर के बारे में, जो फ्री है अभी भी उसकी बात कर रहा है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, स्नॉलिंग ग्राउल, ग्राउल करना टाइगर का, रोर करना अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर गांव वालों को डराता हुआ, जंगल एज का मतलब कि जहां पर जंगल खत्म होता है फॉरेस्ट और गांव शुरू हो जाता है, उसके किनारे पर वो आ जाता है बकरी की तलाश में या इंसानों के को भी, आदमखोर भी हो सकता है वो, एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग कार्निवोरस होते हैं ना जो, उनका ये और ये जो टीथ है ना, फैंग्स कहलाते हैं ये वाले दो मांसाहारी के लिए, हिज क्लॉज उनको दिखाता हुआ, टेररिंग द विलेज, एक्सक्लेमेटरी,
और गांव वालों को डराता हुआ, देखिए आप डर के मारे वो अपना रास्ता ही बदल देते हैं, एक अकेला 10 पर भी भारी। तो ये है, तो यहां भी आप देख सकते हो थर्ड स्टैंजा में भी पोइट टॉक्स अबाउट द टाइगर हु इज इन फॉरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट द टाइगर इन द केज, इन सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा। लेट्स गो फॉर इट्स फिगर ऑफ स्पीच, हम देखें ए बी सी बी राइम स्कीम इसमें भी जा रही है, एच विलेज जा रहा है, ठीक है, और इमेजरी आप देख सकते हैं शेर को दहाड़ता हुआ और गांव वासियों को डराता हुआ और अपने वाइट फैंग्स जो हैं ये वाले दांत से डराता हुआ, ग्लास से अपने डराता हुआ, है ना। तो ये इमेजरी बड़ी अच्छी बन रही है। बट अब फिर से देखो हमें पॉइंट वापस ला रहा है या अभी भी हम फॉरेस्ट में। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, आ जाइए फिर से जू में आ जाइए, बहुत हो गया फॉरेस्ट में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और यहां पर क्या हो रहा है, कंक्रीट सेल, ईंट पत्थर का बना हुआ है उसका पिंजरा जिसके अंदर वो लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी सारी ताकत, कितनी ताकत, कितना ताकतवर होता है वो, और उसकी सारी ताकत इन बार्स के पीछे ही सीमित रह गई है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है वो, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस इतना ही चल पाता है जितना उसका पिंजरा है, और इग्नोरिंग विजिटर्स, देखिए ग्रेट लाइन ग्रेट मीनिंग, इग्नोर कर रहा है। ही इज नॉट हैप्पी विद ह्यूमन बीइंग्स, नहीं जाइए आप, आई वॉन्ट इवन लुक एट यू, चाहे आपने पैसे देकर टिकटें खरीदी हैं मुझे देखने आए हो, लेकिन आई एम एंग्री, आई एम एनॉयड, आई वॉन्ट इवन सी यू, मैं नहीं तुमसे बात करता, जाइए आप, नाराज हो रहा है वो ह्यूमन बीइंग से। लेस्ली नॉरिस की आवाज है ये फिगर ऑफ स्पीच की। तो फर्स्ट लाइन में देखिए ई ई ई ई ई कितनी बार आया है, देखिए नोटिसेबल है, तो एजोनेंस आ रहा है जहां वावल साउंड अगेन एंड अगेन आ रही है, बी इट एट द बिगनिंग एट द एंड और इन द मिडल ऑफ द वर्ड, ही लॉक्ड कंक्रीट सेल, अगेन एंड इन एजोनेंस इज देयर, एंड देन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ये लाइन देखिए आप, इसके अंदर आप एलिट्रेशन भी देख रहे हैं और इसी के अंदर आप कंसोनेंस भी देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए एस में देखिए हिज स्ट्रेंथ बार्स, कहीं एंड पर है कहीं शुरू में है, फिर से एंड पर है, स स स साउंड अगेन एंड अगेन है, कंसोनेंस है, और बिहाइंड बार्स में देखिए आप हेयर ब साउंड इज स्टार्टिंग कंसेक्यूटिवली, इन दिस केस इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सो दिस लाइन टू इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एंड कंसोनेंस। ये आपका अंतर भी आपको पता लगना चाहिए कि कैसे एक पोइट जो है ऑर्नामेंट करता है अपनी पोएम को, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगेन देखिए एजोनेंस इज देयर, इग्नोरिंग विजिटर्स में आई देखिए, आई 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 फोर टाइम्स मैंने ग्रीन किया है आपको। तो ये बड़े अच्छे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, ए बी सी बी यहाँ पर राइम स्कीम आ रही है, हम बनाएंगे बार्स और विजिटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा अब तक फोर स्टैंजास में कि दो तरह की बातें आपने नोट करनी थी, कंपैरिजन कंट्रास्ट कैसे है, जो केज में है वो स्टॉक्स कर पा रहा है और जो फॉरेस्ट में है वो लर्किंग कर रहा है, वो स्लाइडिंग कर रहा है, जो केज में है वो फ्यू स्टेप्स चल पा रहा है और वो शिकार की तलाश में है, जो केज में है वो क्वाइट रेज में है, वो एंग्री है, वो एनॉयड है, और जो आजाद है वो स्नार्लिंग करता घूम रहा है, प्रे की तलाश में है वो, अपनी फैंग्स दिखाता फिर रहा है, क्लास से डरा रहा है, और वो क्या कर रहा है केज में, इग्नोरिंग विजिटर, वो नाराज है, ह्यूमन बीइंग से नाराज है ये एनिमल्स। ब्यूटीफुल, देखिए आप, और लास्टली लास्ट स्टैंजा में चलते देख लेते हैं कि वो हमें फिर से फॉरेस्ट में ले जा रहा है लेस्ली नॉरिस, वो क्यों बता रहा है बार बार जू में भी आ रहा है और फॉरेस्ट में भी, कुछ बताना चाह रहा है ना, थीम के मुताबिक बात कर रहा है वो, देखिए आप उसके वर्ड्स उसकी लाइंस ब्यूटीफुल, जो वो कहना चाह रहा है कि भैया अगर किसी को कैद करके रखोगे तो वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएगा, अपनी स्किल्स को हॉन नहीं कर पाएगा, जैसे आपको लॉकडाउन के पीरियड में लगा, आपको लगा कि हम बस अभी बाहर आ जाएं, इनको भी यही लगता है। तो लास्ट में क्या कहता है वो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स की आवाज को, जो वाइल्ड ऑफिसर होता है, वाइल्ड रेंजर होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ रेंजर होता है, वो पेट्रोल करता है लास्ट में 12-1 बजे कि सब ठीक है ना, फाइनल राउंड पर है वो। ही हियर्स, वो उनकी आवाज को सुनता है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, वो उनको नहीं देखता है,
वो सोया भी नहीं है, लेट नाइट है, वो तारों को देख रहा है, नींद कैसे आएगी उसे? जो फ्रीडम से वंचित है उसे नींद कैसे आ सकती है? जो खुश नहीं है वो देर रात तक जाग रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार की तरफ वो निहार रहा है। देखिए आप, ग्रेट, क्यों? ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट ब्रिलियंट दो बार यूज किया है, ब्यूटिफिकेशन। देखिए आप, ब्रिलियंट आईज क्योंकि वो होपलेस नहीं है, अभी भी होपफुल है। लेस्ले नोरिस कहता है कि फाइनली एक दिन ह्यूमंस को समझ आ जाएगी ये बात। यहाँ पर टाइगर भी यही सोच रहा है। मैंने आपको कहा ना, लिखिए आप, जू होने चाहिए या नहीं? आर यू फॉर जू और आर यू अगेंस्ट जू? लिख दीजिए आप। यहाँ टाइगर तो लिख रहा है, लेस्ले नोरिस भी लिख रहा है, आप क्या समझते हैं आप बता दीजिए ना। तो वो होपलेस नहीं है, ब्रिलियंट आईज इसलिए कहा है, वो होपफुल है, आंखों में चमक है उसकी, अभी निराश नहीं है, गुस्से में है वो, एनॉयड भी है वो, लेकिन होपफुल है, उसकी आंखों में ब्रिलियंट आईज चमक है, अभी भी आशा है, अभी भी। एट द ब्रिलियंट स्टार, दोबारा ब्रिलियंट स्टार क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि एक दिन मैं भी इन सितारों की तरह फ्री हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा, जैसे ये ब्राइट हैं, जैसे ये हैप्पी हैं, जैसे ये टिमटिमा रहे हैं, एक दिन मेरी आईज भी, मैं भी इसी तरह से खुले आकाश के नीचे कूदूंगा, स्नान करूंगा, लर्क करूंगा, फ्री हो जाऊंगा, फ्रीडम मेरे पास होगी। ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। लेस्ले नोरिस ने जो थीम रखा, इसका मैसेज जो मैं देना चाहा, अंत तक वो उससे बंधी रही है ये पॉइंट टाइगर के थ्रू। टाइगर जो कभी केज में है, कभी वो फॉरेस्ट में है। देखिए आप, ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, तभी तो उसको नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आ सकती है? नींद हमें देनी है, पहले हमें जागना है चिल्ड्रन, इन एनिमल्स के प्रति अच्छा भाव रखना है, सहानुभूति रखनी है। वाइल्ड एनिमल है ये, अटैक भी करते हैं ना, तो वो उनकी हॉबी नहीं है, वो उनकी नेसेसिटी है, लेकिन हम ह्यूमंस की तो हॉबी है शिकार करना, उन पर अटैक करना, तो दे आर बेटर देन अस, सो देयर शुड नॉट बी जू, दे शुड नॉट बी कैप्ट इन द जू। दिस इज द मैसेज ऑफ लेस्ली नॉरिस, एंड एस्पेशली फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। नो, अगर हम जाएं इस लास्ट एंजे की राइम स्कीम की ओर, बट वंस अगेन बिल्कुल चला वो पांचवे में भी, ए बी सी भी आप देख पा रहे हैं, कार्स स्टार्स, ठीक है, और पहला वर्ड देखिए ही आया है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है बिल्कुल, और ही हियर्स में एलिट्रेशन आ गया है, दो वर्ड एस साउंड से शुरू हो रहे हैं। थर्ड लाइन में विद हिज ब्रिलियंट आईज, आई 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 अगेन एंड अगेन, आई से वो बता रहा है, एजोनेंस हमें बता रहा है, एजोनेंस से ब्यूटिफाई किया है इसको, ऑर्नामेंट किया है अपनी पोइम को। तो ये हैं, इट शुड बी इनफ चिल्ड्रन फॉर अ टाइगर इन द जू, लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज। आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली। एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वॉज आस्क्ड इन सेट ए मार्च 2020 हरियाणा बोर्ड, क्वेश्चन वॉज हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, कौन से स्टैंड हुआ था, सेकंड में, यस, ही स्टॉक्स अराउंड देयर हाउसेस, उनके घरों के चारों ओर चक्कर लगाता है, ही फ्राइटेंस द विलेजर्स बाय रोरिंग एट द एज ऑफ द विलेज, ही आल्सो शोज देम हिज फैंग्स एंड हिज क्लॉज एंड दस ही टेरिफाइज द विलेजर्स। ये लिखिए आप, ध्यान इस बात का रखना है, क्वेश्चन डज फॉर्म में पूछा गया है, योर आंसर शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट, एक ही बात का ध्यान रखना है। 30 से 40 वर्ड्स में दीजिए आंसर, दो नंबर का पूछा गया था। सेकंड में देखिए, ये सेट सी में मार्च 2020 हरियाणा बोर्ड में पूछा गया, हाउ डज द टाइगर बिहेव इन द नेचुरल हैबिटेट, अगर वो हैड दैट टाइगर बीन इन द फॉरेस्ट तो वो कैसा व्यवहार करता, क्या करता वो? अनलाइक द टाइगर इन द केज, द टाइगर इन द जंगल इज फ्री टू मूव एनीवेयर, वो फ्री घूमता, ही हाइड्स इन लॉन्ग ग्रास लर्किंग फॉर हिज नेक्स्ट प्रे, यस, ही स्नॉर्स अराउंड द विलेज रोरिंग एट द पीपल फ्राइटनिंग देम विद हिज व्हाइट फैंग्स एंड क्लॉज, यही कर रहा होता, तो ये लिख दीजिए आप, इट शुड बी इनफ। थर्ड में देखिए,
सेट ए मार्च 2019 में पूछा गया था हरियाणा बोर्ड में, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोइम अ टाइगर इन द जू? मैसेज क्या है? मैसेज है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एनिमल्स। दिखाया ना उसने टाइगर इन द केज एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसीलिए तो दिखाया। एनिमल्स वांट फ्रीडम लाइक अस, मैसेज। दे आर हैप्पी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल एनवायरनमेंट दीजिए उनको, महिलाओं को भी, गर्ल्स को भी, ट्रीज को भी और टाइगर्स को भी। आपको जिस तरह चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट, इन्हें भी चाहिए। एवरीवन लव्स फ्रीडम, फ्रीडम इज द मैसेज ऑफ लेस्ली नॉरिस इन दिस पोएम। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समरी पूछी जाती है, सेट बी मार्च 2019 में हरियाणा बोर्ड में पांच नंबर की पूछी गई, तो सारी पोइम में पांचों स्टैंजों से दो दो तीन तीन लाइन में आप लिख दीजिए। बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर, आपने देखा विविड स्ट्राइप्स हैं, है ना, और वो स्टॉक्स कर रहा है केज में, ही इज इन एंगर। सेकेंड में वो ले गया था जहां पर ही शुड हैव बीन स्नॉलिंग, लर्किंग लॉन्ग ग्रास नियर वाटर बॉडी इन वेट ऑफ अ प्लम्प डियर, कर रहा होता ना वो। इस तरह से आगे बढ़िए, आप थर्ड में चले जाइए, ही शुड हैव बीन टेररिंग द विलेजर्स बाय शोविंग देम हिज फैंग्स, वाइट फैंग्स एंड क्लॉज। ये सब कीजिए आप, इसमें लिखिए समरी में क्या था, जो भी आपने पढ़ा अपने शब्दों में लिख दीजिए। और फोर्थ में हम वापिस आ गए थे, जू में आ गए थे, जू वाले टाइगर की बात कीजिए कि यहाँ वो कंक्रीट सेल में है, उसकी सारी स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद हिज स्ट्रेंथ बिकॉज ही इज केज्ड, ही इज कन्फाइंड, ही इज इन रेज, हिज एंगर इज शोन, ठीक है, बाय द पॉइंट हियर। और रात को जब पेट्रोलिंग होती है, लास्ट में आ जाइए, ही डज नॉट लुक एट देम दैट वाइल्ड रेंजर ऑफिसर, बल्कि वो सिर्फ सितारों को देखता है, स्टेयर करता है, होपफुल है वो, ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। तो ये समरी आप इस तरह से अपने शब्दों में लिख दीजिए, 120 शब्दों में पांच नंबर का आया करता है। होप इट शुड बी इनफ इन द पोइम ए टाइगर इन द जू। आई एम होपफुल दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं आ रहा हूँ नए लेसन के साथ, आप मिडनाइट विजिटर, टिल देन स्टे गुड, स्टे हेल्दी, कीप इन टच विद मी, बाय बाय, थैंक यू।